हेलो फ्रेंड, मैं हूं आपका दोस्त प्रोफेसर VFX। और बहुत ही लंबे समय के बाद मैं फिर एक बार वापस आया हूं एक नए ट्यूटोरियल के साथ, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आपको ये देख के काफ़ी मज़ा आएगा। और ये जो ट्यूटोरियल है जो हम करने वाले हैं, बर्थडे इनविटेशन खासकर बच्चों के लिए, इसका रिक्वेस्ट मुझे बहुत पहले से आ रहा है, शायद जब मैंने पहला ट्यूटोरियल बनाया होगा तब से। ट्यूटोरियल साथ साथ मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ताकि आप इसी तरह का दूसरा इन्विटेशन कार्ड बना सके, दूसरा बैकग्राउंड के साथ, दूसरा फ्रेम के साथ। तो मैं पहले आपको इसका कॉन्सेप्ट क्या है वो बता दूं, उसके बाद आप अपनी डिज़ाइन का भी कुछ बना सकते हैं। तो देखें कि जैसे हमारे सामने जो इन्विटेशन कार्ड है जो मैंने बनाया है, इसमें 5 चीज़ें कॉमन है। पहला है एक कार्टून कैरेक्टर, 2D। आपको बहुत सारे कार्टून कैरेक्टर नेट में इजीली मिल जाएंगे। उसके बाद है फ्रेम, फ्रेम भी आपको बहुत ही इजीली मिल जाएगा। पर यहाँ पे जो हमने फोटो यूज़ किया है, यहाँ पे फ्रेम और कार्टून कैरेक्टर अटैच है, तो मुझे दोनों को अलग अलग नहीं लेना पड़ा। पर अगर आपको साथ में नहीं मिले तो आप दोनों को अलग अलग ले सकते हैं। उसके पीछे है एक बैकग्राउंड जिसे मैंने आधा किया है, और उसके पीछे और एक बैकग्राउंड है। तो यहाँ पूरा का पूरा एक पिंक थीम को लेके ही मैंने काम किया था। सबसे पीछे जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा लाइट पिंक है, और उसके ऊपर है डार्क, उसके ऊपर फिर लाइट है, तो कॉन्ट्रास्ट आ सके। तो इस तरह से मैंने पूरा काम किया है। तो ये पूरा का पूरा मैंने कैसे बनाया था मैं आपको दिखाता हूँ। पहले मैं आपको दिखाऊँगा जो इमेजेस मैंने यूज़ किया है, और ये सब इमेजेस आपको इस वीडियो के नीचे एक लिंक है, वहाँ पर आपको ये सब इमेज मिल जाएगा। तो ये पहला बैकग्राउंड है जो मैंने सबसे पीछे रखा था वो है। उसके बाद है ये बच्चे का बैकग्राउंड जिसका बर्थडे रहेगा उसका, और ये फ्रेम है जो मैंने यहाँ से काट के निकाला था। तो मैं ये दोनों फ़ोटो आपको देता हूँ, आप इसे जैसे यूज़ करना चाहे कर सकते हैं। इसके बाद जिसको मैंने आधा किया था ये वो बैकग्राउंड है। तो यही 3-4 बैकग्राउंड लेके हमें काम करना है। तो चलिए अपना हम आज का ट्यूटोरियल शुरू करते हैं। मैं इस इमेज को बंद कर देता हूँ। तो सबसे पहले मैं फ़ोटोशॉप में आऊँगा और यहाँ पे न्यू लूँगा। अभी हम इंचेस में काम करेंगे, और मुझे ये प्रिंट कराना है तो मैं इसे CMYK में कन्वर्ट कर दूँगा, और यहाँ पे जो साइज रहेगा वो रहेगा इंचेस में। इंच में रखूँगा, विथ रखूँगा 20 इंचेस, और हाइट 15 इंच। तो अगर आपको ज़्यादा करना है आप कर सकते हैं, और रेजोल्यूशन में 300 कर दूंगा। ओके, तो ये आपका इमेज साइज है जिसके ऊपर आप काम करेंगे। तो सबसे पहले हम सबसे पीछे वाला बैकग्राउंड जो है उसे लूँगा, एम इसे यहाँ ले आया हूँ। अब इसे मैं प्रॉपर साइज का कर दूंगा, पूरा बैकग्राउंड को फिल कर लूँगा इससे बड़ा करके। Ctrl+T प्रेस करेंगे तो आपका ट्रांसफॉर्म टूल आ जाएगा। जब ट्रांसफॉर्म करें तो Shift प्रेस करके रखें, ताकि आपका इमेज डिस्टॉर्ट ना हो। तो ये हमारा सबसे पीछे का बैकग्राउंड आ गया है। इसके बाद हम उसके ऊपर जो बैकग्राउंड था उसे लेंगे। तो ये हमारा उसके ऊपर का बैकग्राउंड है, जिसे मैं ट्रांसफॉर्म करके उतनी बड़ा कर दूंगा। ये करने के बाद आप रेक्टेंगल मार्कर को लेंगे, और वो कितना पोर्शन वो रहेगा उस पोर्शन को आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप जाएंगे लेयर, लेयर मास्क, रिवील सिलेक्शन। तो इतना पार्ट रिवील हो गया। ये करने के बाद मैं जो फ्रेम था अब उसे लूँगा। फ्रेम लाके मैं यहाँ सेट कर लेता हूँ कुछ इस तरह से, और तो बड़ा करता हूँ। फ्रेम को जितना बड़ा रख सके उतना अच्छा रहेगा, पर ज़्यादा बड़ा ना करें, क्योंकि आपको टेक्स्ट भी लिखना है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं इसे यहाँ अभी छोड़ता हूँ। इसके बाद जिसका बर्थडे है आप वो फ़ोटो को भी यहाँ लेके आएंगे, और इसे इस फोटो को फ्रेम के पीछे कर देंगे। हमारा फ्रेम था वो PNG में सेव किया था मैंने, तो बहुत ही ईजी होगा, वो पहले से ही कटआउट रहेगा तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होगा। अब मैं बच्चे का इमेज को जितना छोटा कर पाऊँ उतना करूँगा, और इसे
एडजस्ट करूँगा उसके पीछे रखने का फ्रेम के। हाँ तो ये ठीक है। अब जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो मुझे हटाना है, तो मैं लेयर में जाऊँगा, लेयर लेयर मास्क रिवील ऑल। अब मैं लूँगा ब्रश और कलर में लूँगा ब्लैक, जो एक्स्ट्रा पार्ट है जो मुझे हटाना है, हार्डनेस को बढ़ा ले ठीक है, उसे मैं इरेज करना शुरू करूँगा। तो इस तरह से वो लगेगा कि वो इमेज फ्रेम में ही है। ये करने के बाद उस इमेज में मैंने इस लेयर पे आउटर ग्लो दिया था, तो मैं वो इफेक्ट यहाँ भी ऐड करूँगा। यहाँ पे इफेक्ट से यहाँ पे जाऊँगा ब्लेंडिंग ऑप्शन, और यहाँ पे आउटर ग्लो है वहाँ पे जाऊँगा। आउटर ग्लो में जाके जो ब्लेंड ऑप्शन है उसे मैं कर दूँगा नॉर्मल, और कलर में करूँगा ब्लैक। अब मैं इसे थोड़ा फैलाऊँगा, स्प्रेड करूँगा तो स्प्रेड होगा। साइज बढ़ाऊँगा, स्प्रेड कम करें, ओपेसिटी को थोड़ा कम रखें। ये ठीक है। अब मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिखूँगा, टेक्स्ट जो होगा वो आपके अकॉर्डिंग होगा कि आप क्या लिखना चाहते हैं। और एक बहुत ज़रूरी बात, जब टेक्स्ट लिखे तो उसका फॉन्ट थोड़ा सा फैंसी दे, थोड़ा हटके, और थोड़ा सा मैं हमेशा बोलता हूँ कुछ सिंपल फॉन्ट चूज़ करने ताकि पढ़ने में ईजी हो, पर इस वक्त आप थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, थोड़ा बाहर जा सकते हैं और कुछ हटके फॉन्ट चूज़ कर सकते हैं, खासकर जो बच्चों टाइप का कुछ हो जो देखने में भी अच्छा लगे। तो मैंने यहाँ पे एक फॉन्ट चूज़ करके रखा है जिसका नाम है गिज्यूप स्टैंडर्ड, जिसे आप रख सकते हो, जिसे आप भी यूज़ कर सकते हो चाहे तो। तो मैं यहाँ पे अब लिखता हूँ, यहाँ ब्लैक है इसे मैं वाइट वाइट है, मैं इसे ब्लैक कर लेता हूँ पहले ही। अब मैं इसे सजा लूँगा, तो बड़ा करूँगा इसे। ऑन माइक जो एकदम पिछला बैकग्राउंड था हमारा उसे मैं थोड़ा ब्लर करूँगा, फिल्टर ब्लर गोजिन ब्लर, ताकि मेरा टेक्स्ट जो है वो थोड़ा बेटर दिखे। थोड़ा ऊपर करूँगा इसे। ओके ये करने के बाद मुझे एक जगह उसका टाइम ये लिखने के बाद मुझे एक जगह लिखना होगा कि वो कब है और कहाँ है, तो आप कोई जगह खोज के, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसे भी लिखिए आप। जैसे मैं दूंगा ऑन 6th जून सैटरडे, ये बर्थडे कहाँ है, अगर आप बर्थडे कहीं अलग जगह दे रहे हैं तो भी लिख सकते हैं। यहाँ पे एड्रेस का पूरा डिटेल दे देंगे, बस कहाँ पे है वो लिखेंगे, उसके बाद नीचे में हम पूरा एड्रेस लिखेंगे, अभी नहीं, वो मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। एट माई होम, और इसे मैं वाइट कर दूंगा क्योंकि इसका पीछे बैकग्राउंड काफ़ी डार्क है, तो मैं इसे वाइट का कर सकता हूँ, थोड़ा बड़ा कर दूंगा। ये अच्छा है। अब मैं बोल रहा था एड्रेस, एड्रेस आप एकदम नीचे में एक सिंपल फॉन्ट चूज करके दे सकते हैं, और उसका साइज थोड़ा कम कर दे, सॉरी इसका कम हो गया। साइज कम करके यहाँ पे आप एड्रेस
मैं इसे ब्लैक कर दूंगा ताकि दिखे ठीक से। इसका फॉन्ट सिंपल रखूंगा कुछ जो पढ़ने में इजी हो, क्योंकि एड्रेस है ये बहुत ज़रूरी है, न तो कहीं और पहुंच जाएंगे लोग। सो उसके पीछे मैंने एक रेक्टेंगल मार्कर टूल बना के एक ब्लैक का थोड़ा ग्रे जैसा कुछ लूँगा और उसके पीछे से रख दूँगा, उसे तो हल्का करूँगा, उसका ओपेसिटी कम कर दूँगा। इस तरह से आप एड्रेस लिखेंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। तो दोस्तों यही था हमारा ट्यूटोरियल आज का, आई होप कि आपको पसंद आया होगा। मेरे पास और एक डिज़ाइन है जो बड़ों लोग के लिए है, जो शायद मैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल बनाऊंगा उसके ऊपर। सो फॉलो करते रहे, आप मेरा फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं जहाँ पे मैं नए नए पोस्ट डालते रहता हूँ, और आपको जो भी इससे रिलेटेड इमेज है आपको इसके नीचे एक लिंक है उसमें मिल जाएगा। नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग।